देश और प्रदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। खबर बीकानेर से, प्रयोगशाला सहायकों ने विरोध में पॉलिश किए जूते। मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, संविदा कार्मिक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर से माफत सीएम अशोक गहलोत को ज्ञापन देकर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रयोगशाला सहायक पदों की भर्ती से जुड़ी प्रोविजन सूची जारी करने की मांग की है। इस मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रयोगशाला सहायकों ने कलेक्ट्रेट परिसर पर जूते पॉलिश किए। ज्ञापन में अवगत कराया है कि चिकित्सा विभाग की ओर से प्रयोगशाला सहायकों के 1534 पदों की भर्ती के लिए विज्ञापित जारी की गई थी। इस विज्ञापित को जारी हुए अब 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक नियुक्तियां नहीं दी गई हैं, इसलिए प्रयोगशाला सहायकों की भर्ती जल्द से जल्द पूरी की जाए। राष्ट्रीय राजमार्गों में काम निश्चित समय सीमा में पूर्ण हो, कलेक्टर गौतम ने दिए निर्देश। जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम ने कहा कि बीकानेर से होकर निकलने वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर चल रहे कार्य निश्चित समय सीमा में पूर्ण हो जाएं। साथ ही ऐसे स्थान जहां दुर्घटना होने की संभावना अधिक हो वहां साइन बोर्ड लगाया जाए और जिला मुख्यालय पर बन रहे मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क का निर्माण अगस्त तक पूर्ण कर लिया जाए। गौतम गुरुवार को कलेक्टर सभागार में सार्वजनिक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय उच्च मार्ग राजस्थान राज्य सड़क विकास और निर्माण निगम लिमिटेड सहित सार्वजनिक निर्माण विभाग के तहत चल रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। बीकानेर जेल में नए प्रवेशित बंदियों के लिए बनाया गया आइसोलेशन वार्ड। बीकानेर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बीकानेर के सचिव पवन कुमार अग्रवाल द्वारा केंद्रीय कारागृह का साप्ताहिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान केंद्रीय कारागृह में विचाराधीन बंदियों, सजायाफ्ता बंदियों की मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कोविड-19 की जांच कराई गई। विवादों में अटकी है भर्ती परीक्षा, 2 बार जारी हो चुका है परिणाम, नियुक्ति अभी तक नहीं मिली। ICDS महिला पर्यवेक्षक भर्ती में सफल रही महिला अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग को लेकर आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन लिखा, जिसमें बताया कि महिला और बाल विकास विभाग में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से 50% कोटे के तहत 320 पदों पर भर्ती हेतु मंत्रालयिक चयन बोर्ड ने 1 अक्टूबर 2018 को ज्ञापन जारी किया था। 3 मार्च 2019 को परीक्षा आयोजित की गई, 22 जुलाई 2019 को परीक्षा परिणाम जारी किए गए। 7 से 9 अगस्त 2019 तक दस्तावेज सत्यापन किया गया। कुछ महिला अभ्यर्थियों द्वारा जोधपुर हाईकोर्ट में वाद दायर किया गया। बीकानेर में 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए सामने, आंकड़ा पहुंचा 152। जिले में आज फिर कोरोना विस्फोट हुआ है, जहां 6 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। CMHO डॉक्टर BL मीणा के अनुसार आज मिले पॉजिटिव में से एक अंत्योदय नगर से है, एक पॉजिटिव कमला कॉलोनी से, एक पॉजिटिव रामपुला गाड़ी नंबर 9 से और 2 नापसर कस्बे के सिंथल गाँव से है। एक नोखा विधानसभा के जसरासर गाँव का 35 वर्षीय युवक बताया जा रहा है। अब जिले में पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़कर 152 हो गया है, जिसमें 8 की मौत हो चुकी है। राज्यसभा चुनाव कल होगा, 3 सीटों के लिए मतदान शाम को घोषित होंगे परिणाम। राजस्थान की राज्यसभा की 3 सीटों के लिए कल चुनाव होगा। विधानसभा में मतदान और मतगणना की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान शुक्रवार को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा, उसके बाद 5 बजे से मतों की गणना की जाएगी। राज्यसभा के चुनाव के लिए मतदान और मतगणना विधानसभा में होने के कारण शुक्रवार को वहां अवकाश घोषित किया गया है। केवल उन्हीं अधिकारियों कर्मचारियों को विधानसभा बुलाया गया जिनकी ड्यूटी चुनाव में लगी है। देश और प्रदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए।